Hey guys, hope you all are good. Welcome to another interesting video on our Be Aware channel. So let's begin. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प कंपनी प्रोफाइल रिलेटेड, जॉब ओपनिंग्स एंड बेनिफिट्स रिलेटेड। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी जो थी वो मुंजल फैमिली ने 1984 में न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश करी थी। आज ये कंपनी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैनुफैक्चरिंग कंपनी में शुमार है। ये कंपनी के 37.1% शेयर जो है वो टू व्हीलर मार्केट का है इंडिया में। हीरो मोटोकॉर्प की फाइनेंशियल्स की अगर बात करते हैं तो $3.9 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है हीरो मोटोकॉर्प में 2021 में एंड 460 मिलियन का नेट इनकम है। हीरो मोटोकॉर्प का 460 मिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटल है इंडियन मार्केट में। मुझे नहीं लगता कि किसी ने हीरो होंडा का नाम नहीं सुना होगा। हीरो होंडा जो है वो जॉइंट वेंचर था हीरो मोटोकॉर्प का और होंडा जापान का। 1984 में ये कोलैबोरेशन बना हुआ था और ये बनते ही हिट हो गया था बिकॉज हीरो होंडा ने लो कॉस्ट एंड हाई फ्यूल इकोनॉमी वाली बाइक्स लाके मार्केट में तहलका मचा दिया था। 2001 आते आते हीरो होंडा जो है वो लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गया था इन इंडिया एंड ग्लोबली। मगर 2010 में हीरो होंडा का जो कोलैबोरेशन था वो टर्मिनेट हो गया। हीरो और होंडा अलग हो गए। उसके बाद हीरो ने अपना नाम हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड रख दिया और जो लोगो था वो भी डिज़ाइन करा गया। कंपनी का लोगो और जो कंपनी का नाम था वो 2011 में रिलीज़ करा गया था और ये जो लोगो था वो एक ब्रिटिश कंपनी ने डिज़ाइन करा था। अगर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की हीरो मोटोकॉर्प के तो वो है धारोहीरा, गुरुग्राम, हरिद्वार, हलोई और नीमराना। इन जगहों पर आंध्र प्रदेश में भी 6th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बनना चालू है, ऑलमोस्ट आई गेस बना रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प के टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और जिनमें से 9.1 मिलियन का प्रोडक्शन पर ईयर टू व्हीलर्स का निकलता है अक्रॉस प्लांट्स। हीरो मोटोकॉर्प के पास 2 R&D फैसिलिटीज़ है, एक है जर्मनी में और दूसरी है जयपुर में। हीरो मोटोकॉर्प की अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बात करेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प के पास एज ऑफ 2020 8.5K प्लस एम्प्लॉयज़ है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। 5.1% का आइट्रेशन रेट है फॉर FY 2012-13। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में अपन बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के पास क्या क्या बेनिफिट्स है तो इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पॉलिसीज है, एम्प्लॉय वेलनेस और वेलबीइंग फैसिलिटीज़ है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स है। हीरो मोटोकॉर्प के पास GET की जो फैसिलिटीज़ है वो भी है, लाइक कैंपस प्लेसमेंट भी हीरो मोटोकॉर्प में होता है। ऑल्सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेबसाइट जो हीरो मोटोकॉर्प की जॉब्स एंड कैरियर्स की वेबसाइट है, हम अभी देखेंगे वही पेज पे जाएंगे हम। तो ऑलमोस्ट अभी हीरो मोटोकॉर्प के पास 11 वैकेंसीज ही है खाली। अगर आप लिंक्डइन पे चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, ओनली 11 वैकेंसीज अवेलेबल है, दैट ऑल्सो ऑन हीरो मोटोकॉर्प के ऑफिशियल जॉब कैरियर पेज पे। तो हमने देख लिए बेनिफिट्स के बारे में, अब हम देखेंगे कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास इंजीनियर बॉडी फेयरिंग का एक जॉब है, HRBP एग्जीक्यूटिव। हियर यू कैन सी द फंक्शन फॉर विच इट इज़, लोकेशन आप देख सकते हैं एज वेल एज जॉब टाइटल्स है। शिफ्ट इंचार्ज चाहिए गुरुग्राम के लिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए हरियाणा के लिए, प्लांट परचेसिंग मैनेजर चाहिए गुरुग्राम के लिए। यहाँ पे डेट्स भी है कि कब ये पोस्ट डाली गई है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस पोजिशन यू वॉन्ट एंड यू कैन अप्लाई। सीनियर डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है जो है HR में। बायर सीनियर इंजीनियर, बायर VD, बायर MPL 11 एंड टेरिटरी सेल्स मैनेजर। अगर आप ये कोई भी पोजीशन पे क्लिक करोगे तो यू कैन गो इनसाइड दिस पेज एंड यू विल हैव
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको रहेगा, लोकेशन है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एंड द स्किल्स इंफॉर्मेशन के बारे में भी इधर दिया गया है। यहाँ पे सीधा आपको अप्लाई नाउ करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ करोगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल्स डालना पड़ेगा एंड देन आपको जॉब अप्लाई करने आएगा। तो फेक जॉब से अप्लाई ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे आके जॉब सर्च करना और फिर ही जॉब को अप्लाई करना। तो ये है ऑफिशियल हीरो मोटोकॉर्प का पेज और यहाँ पे 11 जॉब ओपनिंग्स है एज ऑफ 25th of March 2023। तो अगर बात करेंगे वेब रेटिंग की कि कितना रेट किया गया है हीरो मोटोकॉर्प को एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, तो ग्लासडोर ने रेट किया है 4.1 out of 5, इंडीड ने किया है 4 out of 5 और 4.3 रेट किया गया है एम्बिशन बॉक्स पे। अगर हम ओवरऑल रेटिंग की बात करेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प को 4 की रेटिंग आती है आउट ऑफ 5। अब बात कर लेते हैं समरी में, पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर अपन बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, तो कंपनी जो है वो MNC कंपनी है, कंपनी में जॉब सिक्योरिटी इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, वर्क कल्चर जो है वो बढ़िया बताया गया है रिव्यूज़ में एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और जो ग्रोथ के प्लान्स है वो भी बढ़िया बताए गए हैं। अगर नेगेटिव्स की बात करेंगे तो वर्क सेटिस्फैक्शन जो है, सैलरी बेनिफिट्स जो है और ग्रोथ जो है लाइक करियर ग्रोथ, इनको नेगेटिव पॉइंट्स में रखा गया है रेटिंग्स में। तो आपका क्या कहना है, डू यू अप्लाई फॉर अ जॉब फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हीरो मोटोकॉर्प में जॉब रिलेटेड तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, जॉब अपडेट्स, स्टॉक अपडेट्स और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के ऊपर वीडियो हम लाते रहते हैं। तो बने रहिए बी अवेयर चैनल पर, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।